अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट सेमेस्टर जी बच्चों, आज हम अपने कोर्स की साइकोलॉजिकल फाउंडेशन का जो यूनिट नंबर 3 है इसके टॉपिक में आज हम द ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन देखेंगे, यानी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग को देखेंगे। इसके जो फादर ऑफ दिस थ्योरी हैं वो उनका नाम है अब्राहम मैजलो और कार्ल रॉजर्स। अब्राहम मैजलो ने एक हायरार्की ऑफ नीड का कॉन्सेप्ट दिया, उसमें ये कहा कि एक इंसान, एक इंडिविजुअल, जब उसकी उम्र के साथ साथ हर स्टेज पर उसकी ज़रूरियात पूरी होती हैं, उन ज़रूरियात की सेटिस्फेक्शन उसकी हो जाती है, उसकी नीड्स की, तो फिर इससे फर्द एक अच्छा इंसान बनता है और उसका सीखने का अमल जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो हम अब ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव के पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, ये थ्योरी जो है ये इंग्लैंड और यूएसए में बहुत मकबूल हुई और इसकी वहाँ पर काफ़ी असरात देखने में आए। तो अब हम इसको देखते हैं, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच लीड टू ओपन एजुकेशन मूवमेंट इन इंग्लैंड एंड यूएसए, कि वहाँ पर ओपन क्लासरूम का सिस्टम, ओपन क्लासरूम सिस्टम ये कि जहाँ बच्चे अपने इंटरेस्ट और अपने कैलिबर के मुताबिक, अपने एप्टीट्यूड के मुताबिक लर्निंग के लिए आमादा होते हैं, और यानी बच्चों को वहाँ पर फोर्स नहीं किया जाता। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में ये एक ओपन एजुकेशन मूवमेंट है। इट फोकसेस अपॉन इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग, यानी इसमें फर्द की जो जज्बाती पहलू हैं उनको मद्देनज़र रखा जाता है, कि उनको अहमियत दी जाती है। यानी मेन जो फोकस है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव का वो ये है कि इमोशनल एस्पेक्ट्स की फुलफिलमेंट की जाए, बच्चे को जज्बाती तौर पर जो है वो रिलैक्स रखा जाए और उसको लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होने के लिए उसके इंटरेस्ट को, उसके रिक्वायरमेंट्स को, उसकी नीड्स को और एप्टीट्यूड को अहमियत दी जाए। टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड्स लर्निंग एंड व्यू देमसेल्व्स एज वैल्यूएबल एंड रिस्पेक्टेबल इंडिविजुअल्स, बिकॉज दिस अप्रोच फोकसेस ऑन लर्निंग ऑफ फीलिंग्स। जैसा भी हमने ऊपर बात की ना कि इमोशनल एस्पेक्ट्स को, तो लिहाजा ये कहते हैं कि फीलिंग्स जो एहसासात हैं एक इंडिविजुअल के, एक स्टूडेंट के, उनको जब कैटर किया जाता है और फीलिंग्स की को ट्रेन करने का नाम जो है वो लर्निंग है। इसलिए ये कहते हैं कि इससे क्या होता है कि एक फ़र्द खुद को वैल्यूएबल समझता है और रिस्पेक्टेबल इंडिविजुअल समझता है, और यही असल में पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा करता है स्टूडेंट्स के अंदर, कि वो लर्निंग की तरफ खुद को अपनी तवज्जो को मबजूल कर ले। नेक्स्ट है, दिस अप्रोच हेल्प द स्टूडेंट्स टू बिकम इंडिपेंडेंट लर्नर्स एंड डेवलप सेल्फ एस्टीम, सोशल एडजस्टमेंट एंड पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स स्कूल। यानी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का मतलब नज़र ये है, मकसद ये है कि चूंकि ये लर्निंग ऑफ फीलिंग्स है, तो इसलिए वो कहते हैं कि इस तरह एक स्टूडेंट जो है वो एक इंडिपेंडेंट लर्नर बनता है, वो खुद से फैसला करता है कि पढ़ना और सीखना, न्यू स्किल्स, न्यू नॉलेज को एक्वायर करना उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, कि उसकी सेल्फ इस्टीम इस तरह, यानी उसकी जो इज्जत नफ्स है उसको वो डेवलप होगी, वो सोशल एडजस्टमेंट के काबिल हो जाएगा, यानी मुआशरे के साथ मुताबकत इख्तियार करेगा, मुआशरे के रूल्स को, वैल्यूज़ को वो खुश दिली से अडॉप्ट करेगा, अगर उसकी फीलिंग्स को अहमियत देते हुए उसको लर्निंग एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाए। इस तरह उसका स्कूल के बारे में जो एटीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मेन कंसर्न ऑफ ह्यूमनिस्टिक टीचर इज दैट his students learn how to learn more than what to learn. इसके मुताबिक वो ये कहते हैं कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को फॉलो करने वाला टीचर इस चीज़ पर उसका फोकस नहीं होता कि व्हाट टू लर्न, कि क्या जो पढ़ना है उसको, कि बच्चे को याद हो जाए और वो मैक्सिमम उसको जो है उसको इन्फॉर्मेशन दी जाए, बल्कि ये कि हाउ टू लर्न, कि उसको मोटिवेट किया कैसे
करना है, उसको इंसेंटिव्स कैसे देने हैं, उसको एप्रिसिएशन उसकी करनी है, उसके लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के साथ ह्यूमनिस्टिक टीचर का ताल्लुक होता है। और वो कहते हैं कि जब ऐसा एटमॉस्फेयर बनाता है, देखो मैंने स्टार लगा के इस चीज़ की अहमियत कि इस अप्रोच में हाउ टू लर्न को जो है वो ज़्यादा, यानी टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव हो, उसमें एक टीचर स्टूडेंट के लिए ऑब्स्टेकल्स को दूर करने वाला हो, उसके लिए आसानियां फराहम करने वाला हो और लर्निंग प्रोसेस को उसके लिए एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस बना देता है, इसीलिए इसको लर्निंग ऑफ फीलिंग्स का ही अप्रोच कहा जाता है। जी बच्चों, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। टू डेवलप इन दिस अप्रोच टू डेवलप स्टूडेंट्स into emotionally healthy personalities and become independent learners. यानी इस तरीके से student emotionally यानी जज्बाती तौर पर healthy personalities बन जाती हैं। वो जज्बाती तौर पर यानी जूद रंज नहीं होते, खौफज़दा नहीं होते और पढ़ाई को, learning को और school के माहौल को, school की routine को और activities को अपने लिए बोझ नहीं समझते, उनसे खौफ नहीं खाते, बल्कि वो इंडिपेंडेंट लर्नर बन जाते हैं। इस तरह यानी वो खुद सीखने के अमल में उनको जितना ज़्यादा उनको इंसेंटिव दिए जाते हैं, तहरीक और तरगीबात दी जाती हैं, उनकी बात को सुना जाता है, उनके मसाइल को हल करने के लिए टीचर और स्कूल इंतज़ामिया जो है एक माहौल बनाती है, तो इस तरह वो इंडिपेंडेंट लर्नर हो जाते हैं। यानी उनको बाई फोर्स उनकी लर्निंग नहीं होती, बल्कि वो खुश दिली से और जज्बे के साथ एंथुजियास्टिक होकर लर्न करते हैं जो कुछ उनको सिखाया जाता है। फिर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच अटैक्स द ट्रेडिशनल स्कूल्स। जैसे अभी हम बात करें ट्रेडिशनल स्कूल में, तो ये है सख्ती है, उसमें ये है कि कंटेंट पर और एकेडमिक जो रीडिंग्स हैं और एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको हर हाल में मुकम्मल करने पर है, बच्चे के क्या जज्बाती मसाइल हैं, उनकी किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं उनको, तो इसमें कोई कैटर ही नहीं किया जाता। तो इसलिए ये अप्रोच जो है ये ट्रेडिशनल स्कूल्स को पसंद नहीं करती, एक तरह से उनके रद्द अमल के तौर पर जी है पेश की गई। वेयर टीचिंग इज रिजिड, यानी ट्रेडिशनल स्कूल में क्या होता है, टीचिंग इज रिजिड, यानी रिजिड कहते हैं जो लकीर का फकीर हो, जो यानी कि एकेडमिक और उन चीज़ों पर को फोकियत देता हो, वो हावी हो, गालिब हो बच्चे की जो साइकोलॉजिकल और जो उसकी इमोशनल स्टेटमेंट है, जो उसकी स्टेट ऑफ माइंड है, स्टेट ऑफ इमोशनल फीलिंग्स हैं, उसको ये ट्रेडिशनल स्कूल में इग्नोर किया जाता है। इसलिए ट्रेडिशनल स्कूलिंग को ये कह रहे हैं कि ये रिजिड है, टीचर्स कंट्रोल ऑल लर्निंग एंड स्टूडेंट्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स क्रिएटिवली। यानी इसमें स्टूडेंट्स को प्रिवेंट, यानी स्टूडेंट को ट्रेडिशनल टीचिंग में अपनी ज़ात के इजहार या क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं दिया जाता, एंड फेल टू डील विद न्यू सिचुएशन इफेक्टिवली। और इसीलिए वो कहते हैं कि इस तरह की जो टीचिंग होती है जिसमें बच्चे को बाई फोर्स और उसको सवाल करने की इजाज़त नहीं होती, शेयर नहीं वो कर सकता, और उसने एज इट इज़ जो टीचर का कंट्रोल है लर्निंग पर, टीचर जो कहता है उसने उसी को करना है। जैसे हम ये कहें कि बस इसी को याद करना है, इस किताब से हटकर कुछ नहीं है, तो इस तरह की चीज़ें या यही एक्टिविटीज़ करनी है, बच्चे को कोई एक्टिविटीज़ की रेंज ना प्रोवाइड की जाए, उसकी क्रिएटिविटी को कैटर ना किया जाए, तो इस तरह वो कहते हैं कि जो न्यू सिचुएशन होती है उसमें स्टूडेंट्स इफेक्टिवली बिहेव नहीं कर सकते, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, और इस तरह से वो कहते हैं कि वो नाकाम हो जाते हैं न्यू सिचुएशन को फेस करने में, क्योंकि वो एक रट्टा रटाया और क्रैमिंग का और एक फोर्सफुली माहौल में बस डायरेक्शंस को फॉलो करने और ओबे करने की उनको आदत डाली जाती है, तो इसलिए वो न्यू सिचुएशंस में कॉन्फिडेंटली रिएक्ट नहीं कर सकते। तो क्रिएटिविटी ऑफ एक्सप्रेशन एंड इमोशनल ग्रोथ वर स्ट्रेस्ड बाय गिविंग स्टूडेंट्स चॉइस टू कैरी आउट द एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू देयर ओन इंटरेस्ट। यानी ये जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है इसमें तो क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा, यानी एक्सप्रेशन जो कुछ एक्सप्रेस करना है, राय का इजहार करना है, आपने जो कुछ पढ़ा है उसको आप, ये नहीं है कि कुछ लाइन्स को वर्ड्स को याद कर लें, बल्कि उनके असर को समझ के, उसके थीम को समझ के एक्सप्रेस करना अपनी क्रिएटिविटी के साथ, और इस तरह इमोशनल ग्रोथ होती है। लिहाजा इसमें बच्चे को चॉइस दी जाती है कि वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक एक्टिविटीज़ को
यानी एक वसी रेंज एक्टिविटीज की प्रोवाइड की जाती है, जैसे इल्मी अदबी सरगर्मियाँ हैं, तफरीही सरगर्मियाँ हैं, गेम्स की सरगर्मियाँ हैं, और इस तरह की और ऐसी तमाम फलाही किस्म की सरगर्मियाँ हैं। तो हर बच्चा अपने इंटरेस्ट के मुताबिक उन सरगर्मियों में हिस्सा लेता है और इस तरह उसका कैथारसिस होता है, इस तरह उसके अंदर जो है अपने जज्बात के इजहार का उसको मौका मिलता है, और यूँ वो क्रिएटिविटी के साथ न्यू इरा ऑफ नॉलेज को अडॉप्ट करता है, अब्सॉर्ब करता है। इन दिस अप्रोच टीचर्स प्रोवाइड मटेरियल एंड रिसोर्सेज फॉर कैरिंग आउट दोज एक्टिविटीज, यानी इस अप्रोच में टीचर्स जो हैं वो मटेरियल और रिसोर्सेज बच्चे को प्रोवाइड करते हैं कि वो इनको कैरी आउट कर सके उन एक्टिविटीज को, यानी वो गाइड करते हैं किस तरह इनको इन एक्टिविटीज को के लिए खुद को तैयार करना है, कहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, किस तरह से अरेंजमेंट्स करनी है। तो इस तरह टीचर उनके लिए एक हेल्पर होता है, गाइड होता है, वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, उनके लिए ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करता है। इन दिस वे स्टूडेंट्स बिकम सेल्फ रेगुलेटेड लर्नर्स। वो कहते हैं कि ये सेल्फ रेगुलेटेड लर्नर का मतलब ये है कि कोई धमकी या किसी खौफ या किसी सजा के डर से बच्चे नहीं पढ़ते, बल्कि उनको ये टीचर का ये जो रोल है ना, इस रोल की वजह से और तालीमी इंतज़ाम में जो बच्चे को के इंटरेस्ट को और उसकी पसंद नापसंद को, उसके एप्टीट्यूड को, और फिर एक एक्टिविटीज़ के ज़रिए उसको सीखने का माहौल फराहम किया जाता है, तो बच्चों के अंदर स्कूल स्पिरिट पैदा हो जाती है और उसकी वजह से वो सेल्फ रेगुलेटेड यानी वो पढ़ने में खुद अपने आप को खुद आमादा करते हैं और वो नई चीज़ों को सीखने में और अपने तालीमी मामलात में गहरी दिलचस्पी लेने वाले स्टूडेंट बन जाते हैं, यानी वो अपने मास्टर खुद बन जाते हैं, उनको धमकियों की ज़रूरत नहीं होती बल्कि खुशदिली के साथ, खुशगवारियत के साथ वो पढ़ते हैं और सीखते हैं। देखो बच्चों ये कितनी अच्छी, यानी इंसान इस थ्योरी के मुताबिक अगर हम बात करें ना, तो ये है कि इंसान सिर्फ अकली वजूद नहीं है बल्कि उसकी नफसियाती ज़रूरियात भी हैं, उसकी नफसियाती एक साइकोलॉजिकल उसकी जो है वो डिमांड्स और नीड्स भी हैं। तो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी उन्हीं साइकोलॉजिकल डिमांड्स और नीड्स को कैटर करती है, फोकस करती है, और कहते हैं कि इस तरह से फर्द जो है उसकी सही ग्रोथ होती है, इमोशनल ग्रोथ ग्रो करता है और इस तरह से उसकी ग्रूमिंग मुमकिन है। तो इस तरह से ये बड़े रेवोल्यूशनरी तरह किस्म की एक तरह की थ्योरी है, और इसके जो रेवोल्यूशनरी आस्पेक्ट हैं इस अप्रोच के वो क्या है, ये स्टूडेंट सेंटर टीचिंग है, यानी इसमें टीचर का नहीं बल्कि स्टूडेंट सेंटर टीचिंग इसको कहते हैं। तो ये इसका एक रेवोल्यूशनरी एस्पेक्ट है, और इसमें अगर हम देखें तो ये है कि ओवर एम्फेसिस ऑन फीलिंग्स, अगर एक क्रिटिक के तौर पर हम ये बात करें तो ये एक क्रिटिकल, इस पर एक तनकीद वाला ये पॉइंट है, ठीक है, आप इसको एक लिख लें तबसरा या तनकीद के, स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग होने की वजह से इसको कहा, ये हम कह सकते हैं या जो लोग इसको इस पर तनकीद करते हैं उनके ख्याल के मुताबिक ये ओवर एम्फेसिस ऑन फीलिंग्स एंड लेस एम्फेसिस ऑन एकेडमिक लर्निंग, ये एक तरह से इसका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव कमेंट भी हो सकता है कि बहरहाल इसमें फीलिंग्स हो, क्योंकि लर्निंग ऑफ फीलिंग्स है जैसे ऊपर हम बात करें, तो ओवर एम्फेसिस यानी बहुत ज्यादा जोर फीलिंग्स पर, एहसास पर, इमोशंस पर जो है वो दिया गया है एकेडमिक लर्निंग के मुकाबले में। वो कहते हैं कि अगर फर्द इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन बनता है तो ये इस ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का जो है वो ये मतमा नजर है। ठीक है, अब हम बेटे, जी बेटे अब हम इसकी ये देखें नंबर 2 स्लाइड पर आ गए हैं, ये इसकी नंबर 2 स्लाइड है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ लर्निंग की। तो अब इसके पॉइंट्स को हम देखते हैं, ह्यूमनिस्टिक टीचर्स बिलीव दैट नॉलेज एंड फीलिंग्स गो हैंड इन द लर्निंग प्रोसेस, यानी वो ये कहते हैं जो पीछे अभी हमने पॉइंट डिस्कस किया ना कि ओवर एम्फेसिस है फीलिंग्स पर और लेस एम्फेसिस है एकेडमिक लर्निंग पर, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पढ़ाई को, न्यू नॉलेज को या उसको कोई अहमियत नहीं देते, बल्कि ह्यूमनिस्टिक टीचर इस चीज़ पर बिलीव करते हैं इस थ्योरी के मुताबिक कि जो नॉलेज है और जो फीलिंग्स हैं, एहसास और इल्म जो है वो एक दूसरे के साथ साथ हैं, ऐसे नहीं है कि फीलिंग्स को बिल्कुल माइनस करते और सिर्फ नॉलेज है, या नॉलेज माइनस हो जाए तो सिर्फ फीलिंग्स है,
ऐसा तो मुमकिन नहीं। वो कहते हैं कि सोसाइटी में फर्द को एक जिम्मेदार और एक मस्बत नुक्ता नजर रखने वाला फर्द बनाना ये तालीम का मकसद है। तो इसलिए जाहिर है उसको मुआशरे में एडजस्ट करने के काबिल बनाना है, तो इसके लिए जरूरी है कि उसकी सेल्फ एस्टीम जो है उसको भी ग्रो करने का मौका दिया जाए। तो इसके लिए फीलिंग्स का एहतमाम करना, फीलिंग्स की फुलफिलमेंट करना बड़ा जरूरी है, उसके साथ नॉलेज को अटैच किया जाए। तो इस तरह से ये साथ साथ चलते हैं। कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव लर्निंग आर बोथ इम्पॉर्टेंट टू ह्यूमनिस्टिक लर्निंग। यानी ह्यूमनिस्टिक लर्निंग कॉग्निटिव और इफेक्टिव, ये इफेक्टिव का मतलब है ना, ये यानी जिसका ताल्लुक होता है असर के साथ, तासीर के साथ, ठीक है, के प्यार मोहब्बत और शफकत के साथ, अफेक्शन के साथ। तो वो कॉग्निटिव यानी अकल को भी अहमियत देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द पर्सनैलिटी उसको भी ये कहते हैं कि उतनी ही अहमियत देनी चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, लेसन्स एंड एक्टिविटीज शुड फोकस ऑन द होल स्टूडेंट। यानी होल स्टूडेंट से मुराद ये है कि स्टूडेंट की शख्सियत के तमाम पहलू, शख्सियत के तमाम पहलू, उसका जिस्मानी पहलू भी है, उसका जहनी पहलू भी है, जज्बाती भी और मुआशरती भी। यानी ये नहीं कि उसको सिर्फ आप इल्म सिखाएं और जहनी तौर पर तो उसको बड़ा स्ट्रॉन्ग बना दे, लेकिन इमोशनली उसकी किसी तरह की जरूरियात को पूरा ना किया जाए। तो वो कहते हैं तालीम का मकसद क्या होना चाहिए, होल स्टूडेंट एंड देयर इंटेलेक्ट एंड फीलिंग। इंटेलेक्ट जहानत को कहते हैं और फीलिंग वही जज्बात और एहसास, नॉट वन और द अदर। यानी इनमें से कोई एक नहीं, एक के को छोड़ के दूसरा नहीं, बल्कि दोनों साथ साथ हैं। इसीलिए वो कहते हैं गो हैंड इन हैंड। तो बच्चों ये इसकी एक तरह की टैग लाइन है कि इसमें क्या है, अ सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच वाले कहते हैं कि एक सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट ही एक स्टूडेंट को एक कंप्लीट और एक पॉजिटिव और हेल्दी, इमोशनली हेल्दी पर्सनैलिटी बनाते हैं। तो यानी उसके लिए ऐसा माहौल हो जिसमें से कोई खौफ ना हो, उसे कोई डर ना हो, और वो खौफ और डर की वजह से डिप्रेशन का शिकार ना हो, फ्रस्ट्रेट ना हो, बल्कि उसकी तालीमी ज़रूरियात के साथ साथ उसकी जज्बाती और मुआशरती शख्सियत को परवान चढ़ाने में भी एक्टिविटीज़ के ज़रिए और टीचर के पॉजिटिव और अफेक्शनेट करेक्टर के साथ उनकी मदद की जाए। एच ए फॉर बेटे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का ये मैंने एब्रीविएशन में लिख दिया है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच विल हैव अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन स्टूडेंट्स इमोशनल वेलबींग एंड इटरनली व्यू चिल्ड्रन एज इननेटली गुड एट द कोर। बेटे कोर पता है किसको कहते हैं, जैसे बादाम होता है ना, तो बादाम के छिलके के अंदर उसकी गिरी होती है, ठीक है ना, वो कोर होती है उसकी। तो ये कहते हैं, ये इटरनली का मीनिंग मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो बेटी इनके क्या ये फोकस करते हैं स्ट्रॉन्गली किस पर, कि स्टूडेंट्स की इमोशनली वेलबींग, यानी कि जज्बाती तौर पर वो सेहतमंद हो, ठीक है, और वो इसको कहते हैं कि इसको मद्देनजर रखना चाहिए, इसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं बेशक बच्चा मार्क्स बड़े अच्छे ले रहा है, बहुत उसको न्यू नॉलेज उसको अजबर है, लेकिन अगर वो इमोशनली स्ट्रोंग नहीं है, हेल्दी नहीं है, उसकी इमोशनल वेलबींग का ख्याल नहीं रखा गया, तो वो फर्द अपने इल्म से खुद को भी और माशरे को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकेगा। इसलिए वो कहते हैं इमोशनल वेलबींग को फोकस करना चाहिए। इटरनली व्यू यानी इटरनली फॉर एवर, यानी इटरनल कहते हैं कि हमेशा जो रहने वाली चीज है। तो वो कहते हैं कि हमेशा वो बच्चों को क्या समझते हैं कि एक बच्चा जो है वो इन्नेटली यानी फितरी तौर पर, इन्नेट कहते हैं ना, यानी फितरी तौर पर नेचुरली गुड एट द कोर, यानी वो फितरी तौर पर अच्छा होता है। उसको ये कोई मुजरम नहीं समझना चाहिए, ना ही उसे ये कि वो गलत ही करेगा। वो कहते हैं कि फितरी तौर पर वो बच्चे गलत नहीं होते हैं, वो मुजरम नहीं होते हैं, अगर उनको प्यार मोहब्बत के साथ, अफेक्शन के साथ और उनके इंटरेस्ट को सामने रखते हुए और उनको लर्निंग प्रोसेस में सेंट्रल समझते हुए, सेंट्रल पोजीशन पे समझते हुए जब सिखाया जाए तो फिर वो सीखते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है, ह्यूमनिज्म इज एन ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक बच्चों जिसको हम कहते हैं ना, बड़ा मुस्बत सोचने वाला, यानी पॉजिटिव रहने वाला बंदा, यानी तो ये ह्यूमनिज्म की जो अप्रोच है ना, ये बड़ी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है, यानी मुस्बत देखती है ना। जैसे ये अभी ऊपर उन्होंने बात की ना कि चिल्ड्रन
आर इनेटली गुड एट द कोर, यानी वो अंदर से बुनियादी तौर पर वो अच्छे होते हैं। जैसे हमारे नबी पाक की हदीस आपने सुनी है, मैं इससे एग्री करती हूँ कि उन्होंने फरमाया कि हर बच्चा फितरत सलीमा पर पैदा होता है, ये उसके वालदैन हैं जो उसको नसरानी, यहूदी या मजूसी बनाते हैं। तो यानी फितरत तो नेक है, तो हमारे नबी पाक का फरमान है, सो मैं इस पॉइंट से एग्री करती हूँ। तो वो कहते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक ये थ्योरी है, होल पर्सन थ्योरी, यानी वही जो ऊपर हमने बात की कि होल चाइल्ड होल पर्सन की नशोनुमा को ये तालीम कहते हैं, दैट फोकसेस ऑन व्हाट मेक्स ईच इंडिविजुअल पर्सन यूनिक। वो कहते हैं कि हर फर्द को अपनी जगह पर एक कंप्लीट पर्सन है, उसको उस तरह होल पर्सनैलिटी के तौर पर देखें, और इसी तरह से एक इंडिविजुअल जो है वो फिर यूनिक होता है। एक यानी कंपैरिजन नहीं बच्चों में करना चाहिए, उसने ये किया वो बड़ा काबिल है या वो बड़ा अच्छा है और आप ऐसे। वो कहते हैं हर फर्द की अपनी कुछ इननेट क्वालिटीज़ होती हैं और उनके मुताबिक उनको गाइड किया जाए, उनको एजुकेट किया जाए, तो फिर वो एक यूनिक पर्सन बन जाते हैं। तो कितनी अच्छी ये बात है, और वाकईतन अगर हम देखें तो मुख्तलिफ जो थेरीज हम पढ़े इनके मिक्सचर के साथ, एक आपको ये चीज़ें क्यों आपके सिलेबस में शामिल की गई हैं, इनको हम डिस्कस कर रहे हैं कि मुख्तलिफ मौके पर सिचुएशंस में डिफरेंट पर्सपेक्टिव वाले, डिफरेंट एक बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे होते हैं, तो इस तरह की मुख्तलिफ थेरीज को अगर एक टीचर जानता होगा तो उसके मुताबिक वो बच्चों को इमोशनली, फिर इंटेलेक्चुअली और सोशली उनको गाइड कर सकता है। तो ये नॉलेज इसलिए आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल है। द टीचर्स रोल अकॉर्डिंग टू द ह्यूमनिस्टिक थ्योरी इज टू बी अ रोल मॉडल, यानी इस थ्योरी के मुताबिक टीचर क्या होता है, रोल मॉडल होता है, वो मोहब्बत करने वाला होता है, प्यार करने वाला होता है, मामलात को समझ कर उनको सुलझाने वाला होता है, वो हेल्पर होता है, गाइड होता है, मेंटोर होता है। वो स्टूडेंट को सिर्फ ये नहीं कि किताब में ये है और इसको याद कर लेना, उसने बता दिया, अगर उसके पास बच्चा 10 दफ़ा भी आएगा सवाल पूछने के लिए, उससे बात करने के लिए, तो उसकी बात को उसी तवज्जो से और मोहब्बत से और गौर से सुनेगा और उसकी मुश्किलात को हल करने के लिए अपना रोल प्ले करता है। तो ऐसा उस्ताद जो है वो एक रोल मॉडल होता है, वो बच्चों को हमेशा एक अच्छा और नेक फितरत इंडिविजुअल समझते हुए उनकी मदद और रहनुमाई के लिए हरदम तैयार रहता है। ह्यूमनिज्म अ पैराडाइम दैट इमर्ज्ड इन द 1960s, यानी ये जो हम ऊपर बात की ना, अब्राहम मैजलो जो इसके फादर ऑफ द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, उन्होंने 1960 के अशरे में इस पैराडाइम को, यानी पैराडाइम कहते हैं एक डिज़ाइन, एक बात जो है ह्यूमनिज्म की, उन्होंने पेश की, और उन्होंने क्या किया, फोकस ह्यूमनिज्म फोकसेस ऑन द ह्यूमन फ्रीडम डिग्निटी एंड पोटेंशियल। बच्चों ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने सिक्वीज करके ना ये लिखे हैं ताकि आपको याद करने में, समझने में आसानी हो कि ये थ्योरी जो है ये किस पर, इंसान की आज़ादी, उसकी इज्जत डिग्निटी, यानी जो इज्जत नफ्स है जिसको हमने पिछले स्लाइड पे देखा, सेल्फ एस्टीम जिसको हम कहते हैं, और पोटेंशियल, क्योंकि हर फर्द की, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना कि वो यूनिक पर्सन कैसे बनता है, हर फर्द की पोटेंशियल होते हैं, उसकी कुछ सलाहियतें होती हैं जो उसके अंदर होती हैं, तो वो उन सलाहियतों को ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की को यूज करते हुए उन पोटेंशियल्स को बाहर आने का, उनको परवान चढ़ाने का, पॉलिश करने का मौका मिलता है अगर हम इस अप्रोच को अप्लाई करते हैं। दे एम्फसाइज द नेचुरल डिजायर ऑफ एवरीवन टू लर्न। ये बच्चों अभी मैंने जो आपको हदीस सुनाई ना, समझो वो हमारे नबी पाक ने तो वो तो बात की है, तो ये उसी का समझो ये एसेंस है, ये वही पॉइंट है जो अब्राहम मैजलो ने पेश किया। एम्फसाइज द नेचुरल डिजायर ऑफ एवरीवन टू लर्न, ठीक है, वो कहते हैं कि हर फर्द के अंदर नेचुरल डिजायर है कि वो जानना चाहता है, सीखना, और ये बात है भी, इंसान फितरी तौर पर सीखने का मादा और तजस्सुस का मादा अल्लाह ने उसके अंदर रखा है। दे मेंटेन दैट लर्नर्स नीड टू बी एम्पावर्ड एंड टू हैव कंट्रोल ओवर द लर्निंग प्रोसेस, यानी वो कहते हैं कि लर्नर्स को एम्पावर करने की जरूरत है के और के उनका कि वो लर्निंग प्रोसेस पर कंट्रोल करेंगे, यानी कंट्रोल से मुराद ये है वही कि वो उनकी पसंद नापसंद, उनको चॉइसेस दी जाएं, उनको वैरायटी दी जाए और उसमें वो अपने अपने
जो इननेट क्वालिटीज हैं उनके मुताबिक एक्टिविटीज को, सब्जेक्ट्स को, या जो भी प्रोग्राम्स हैं उनको वो चूज कर सकें। अब हम अगर इसको इन शॉर्ट देखते हैं इसको, तो उसके मुताबिक क्या है, इन शॉर्ट द बेसिक कंसर्न इज इन दिस ओरिएंटेशन इज फॉर द ह्यूमन पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। यानी इसमें अगर हम जितनी पीछे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं इस थ्योरी के मुताबिक, तो उसमें असल में ये कि जो ह्यूमन पोटेंशियल है उसकी ग्रोथ के लिए मौके दिए जाएं, आज़ादी दी जाए और उसके मुताबिक रिसोर्सेज और मटेरियल एनवायरनमेंट में प्रोवाइड किए जाएं। द ड्राइव टू लर्न इज इंट्रिंसिक, यानी सबको, ये ऊपर जो भी हमने बात की है ना कि नेचुरल डिजायर, उसी के इंट्रिंसिक कहते हैं जो एसेंशियल होते, यानी इसके मेन पॉइंट्स में पोटेंशियल की ग्रोथ के लिए अगर देखें तो वो क्या है कि लर्निंग जो है ना, सीखना, वो इंट्रिंसिक है एक पर्सन के लिए, एसेंशियल है, जरूरी है। पर्पस ऑफ लर्निंग इज टू ब्रिंग अबाउट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी लर्निंग का अगर ये इंट्रिंसिक है, जरूरी है हर एक के लिए, तो फिर इसका पर्पस क्या है। असल में पर्पस वो कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, क्योंकि हर फर्द दूसरे से मुख्तलिफ होता है अपनी एबिलिटीज में, कैपेबिलिटीज में, अपने जो उसके प्रेफरेंसेस हैं, तो इसलिए अपनी ज़ात को पहचानना, अपने आप से वाकिफ होना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये पर्पज़ है लर्निंग का। तो नेक्स्ट पॉइंट है, लर्निंग कंट्रीब्यूट्स टू साइकोलॉजिकल हेल्थ, यानी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि ये साइकोलॉजिकल हेल्थ को, क्योंकि ये कहते हैं कि इंसान सिर्फ, और हकीकत भी यही है कि इंसान सिर्फ इंटेलेक्ट नहीं है, उसका एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द पर्सनैलिटी भी है, तो उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को, इसीलिए तो इसको लर्निंग ऑफ फीलिंग्स की थ्योरी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नॉलेज ऑफ वैल्यूज, और इसके लिए वो कहते हैं साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए वैल्यूज जो सोसाइटी की हैं उनका नॉलेज उसे प्रोवाइड करना भी जरूरी है। रियलाइजेशन ऑफ लाइफ एज प्रीशियस, ये बच्चों इधर स्पेलिंग आगे कट हो गया, सी ठीक है, प्रीशियस जो कीमती को हम कहते हैं ना, CIOUS, ठीक है, प्रीशियस के रियलाइजेशन, यानी कि जिंदगी बड़ी कीमती है, इसको जाया करना, खौफ का शिकार हो जाना या सलाहियतों का दबा देना, ये नहीं है, तो इसलिए ये कहते हैं कि लाइफ प्रीशियस है, उसकी रियलाइजेशन करवानी चाहिए। सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट, यानी हर फर्द की जो एबिलिटीज हैं उनकी तकमील होनी चाहिए। सेटिस्फेक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल नीड्स, यानी साइकोलॉजिकल नीड्स हर फर्द की जो हैं उसकी एज के मुताबिक, वो जिस एज में है उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स डिफरेंट होती हैं, वेरी करती हैं, तो उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए एजुकेशनल एटमॉस्फेयर में लाजमी उनका एहतमाम और बंदोबस्त करना चाहिए, ऑर्गेनाइज करनी चाहिए ऐसी एक्टिविटीज़ के हर फर्द की अपनी अपनी एबिलिटीज़ के मुताबिक, यानी वैरायटी होगी तो फिर ही वो उसमें से चूज कर सकेंगे, तो ये साइकोलॉजिकल नीड्स की फुलफिलमेंट बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्विजिशन ऑफ पीक एक्सपीरियंसेस, यानी वो कहते हैं कि हर चीज़ का, यानी सिर्फ वर्बल नहीं होना चाहिए, जब एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो ज़ाहिर है वो कहते हैं कि एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करने चाहिए, तजुर्बात के मौके हों, फर्द को सिर्फ ये नहीं है कि कुछ सेट रूल्स हैं, डेफिनेशंस हैं और नॉलेज, बॉडी ऑफ नॉलेज है, तो वो उनको बस पढ़ता रहे और उनको याद कर ले, तो कहते हैं कि एक्सपीरियंसेस पर बेस करने वाली लर्निंग होनी चाहिए, तो इससे फर्द की साइकोलॉजिकल नीड्स भी पूरी होती हैं और उसकी इमोशनल वेलबींग भी होती है, और नॉलेज और फीलिंग जो है वो गो हैंड इन हैंड का जो हमारा इसका ऑब्जेक्टिव है वो भी पूरा हो जाता है। सो ये हमारी सेकंड स्लाइड जो है, इसके भी पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया है, तो अब हम इसको सम अप करते हुए अगर हम देखें तो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग या इसका जो पर्सपेक्टिव है एजुकेशन पर, वो उसमें टीचर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है कि टीचर ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करें और इस तरह से वो ऑब्स्टेकल्स, वो मुश्किलात, वो हर्डल्स जो एक फ़र्द के पोटेंशियल्स को रियलाइज़ करने और उनको सामने आने में जो रुकावट डालती हैं, उन मुश्किलात को दूर करे टीचर,
तो इस तरह से बच्चों, इट्स मैसेज इज वर्थ वाइल। तो ये मैसेज जो है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का, ये बहुत अच्छा है, उम्दा है, वर्थ वाइल है। इसमें स्टूडेंट्स के इमोशनल और सोशल नीड्स को एडिक्वेटली पूरा करने का पर जोर दिया गया है, क्योंकि इसी से वो कहते हैं कि फिर हेल्दी पर्सनैलिटीज बन सकती हैं और इसी तरह स्टूडेंट्स अपने पोटेंशियल्स को रियलाइज कर सकते हैं। ओके बेटा, आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हमारी एक और थ्योरी रह गई है, कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन। तो उसको हम इंशाल्लाह कल उसका लेक्चर मैं अपलोड करूँगी, ठीक है? तो आई होप सो आप इस इन पॉइंट्स को आप लोग समझ चुके होंगे। इनको राइट डाउन करें और अपनी फाइल में इसको लगाएं, इसको याद भी करें। और बच्चों, आपने मुझसे पूछा कि किस तरह हमने किताब का भी पढ़ना है, जो किताब तो है ही, वो जो उससे रिलेटेड है मैं आपको उसमें से बता देती हूँ, लेकिन आप इनको, इन पॉइंट्स को, जैसे मैं लेक्चर देती हूँ आपको समझाती हूँ, समझिए और इन पॉइंट्स को लिखें और इनको फिर आप लर्न बाय हार्ट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी पेपर की जो रिक्वायरमेंट है वो फिर इससे पूरी हो जाएगी। ओके बेटा, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।